और देखिए बात अब दिल्ली की, वहां पर लोग पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज हो गए हैं। हालात ऐसे हैं कि पानी के लिए राजधानी तड़प रही है। कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत है और कई जगहों पर तो टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा। अब ऐसे में दिल्ली में जल संकट को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया। बड़ी खबर आपको दें कि आज दिल्ली में जल संकट के खिलाफ बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन है। 14 जगहों पर बीजेपी आज दिल्ली में प्रदर्शन करने वाली है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में ये प्रदर्शन है। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक बीजेपी का ये प्रदर्शन चलता रहेगा। तो दिल्ली पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है, लेकिन जल संकट का हल कब निकलेगा ये कोई बताने को तैयार नहीं है। जल संकट के लिए बीजेपी दिल्ली सरकार को कसूरवार ठहरा रही है और आज दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन करने जा रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में 14 जगहों पर जोरदार प्रदर्शन होगा। बीजेपी सांसदों से लेकर विधायक तक मोर्चा संभालेंगे और दिल्ली में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। कई जगह तो ऐसी हैं जहां पर 2 महीने से पाइपलाइन के जरिए पानी नहीं आ रहा। हर घर की ये मांग है, पानी दो पानी दो। हर घर की ये मांग है, पानी दो पानी दो। पानी सी तो न चाहिए नहीं चाहिए। केजरीवाल आए, केजरीवाल आए। दिल्ली की यही पुकार, पानी दो पुकार। जनता की यही पुकार, पानी दो। देश की राजधानी दिल्ली बूंद बूंद के लिए तरस रही है। भयंकर जल संकट से जूझ रही है। पिछले कई दिनों से दिल्ली प्यासी है, प्यास बुझाने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है, लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, लेकिन कोर्ट से तारीख पर तारीख के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा। और सियासतदान वो तो ठहरे सियासी लोग, काम ही सियासत करना। अब जनता प्यासी मर भी जाए तो उन्हें क्या, उनको अपनी सियासत चमकानी है। कल भी चमकाया और आज भी चमकाएंगे। दिल्ली में जल संकट है, सरकार आम आदमी पार्टी की है, लिहाजा इसके लिए उसी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बीजेपी ने जल मंत्री आतिशी को घेरा है तो कांग्रेस ने दिल्ली में जगह जगह मटका फोड़ प्रदर्शन किया। जनता को क्या मिला, इससे किसी को लेना देना नहीं। बीजेपी आज भी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेगी। आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होगा। जल संकट की घड़ी में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का ये बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। बीजेपी 14 जगहों पर हल्ला बोलेगी। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक विरोध प्रदर्शन होगा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा लक्ष्मी नगर चौक पर प्रदर्शन करेंगे। सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी संगम विहार में हुंकार भरेंगे। सांसद कमलजीत सहरावत नजफगढ़ में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगी। वहीं सांसद योगेंद्र चंदोलिया जहांगीरपुरी में प्रदर्शन में शामिल होंगे। इसके अलावा सांसद बांसुरी स्वराज आरकेपुरम में विरोध प्रदर्शन करेंगी। विधायक अजय महावर बुराड़ी में मौजूद रहेंगे। विधायक जितेंद्र महाजन दुर्गापुरी चौक पर प्रदर्शन करेंगे। आम आदमी पार्टी बहाने बनाना जानती है, वो कभी भी जनता को सुविधा देना जानती ही नहीं। इन्होंने दिल्ली को न तो साफ पानी दिया, न तो पानी दिया, कई इलाकों में जल जमाव से मुक्ति नहीं दी। अब तो बुजुर्गों का पेंशन भी बंद है, दिल्ली के गरीबों का राशन कार्ड भी नहीं बन रहा है। 10 साल में एक नया राशन कार्ड नहीं बना है। आम आदमी पार्टी को बहाने बनाने आता है, इनको जनता का काम करना ही नहीं आता है और न तो नीयत है सीखने की। इसका जवाब दिल्ली की जनता बहुत जल्द इनको हटा कर देगी। एक तो भीषण गर्मी, ऊपर से जल संकट, दिल्ली दोहरी मार झेल रही है। पानी के लिए पड़ोसी राज्यों के भरोसे जीने वाली दिल्ली की सुध लेने वाला कोई नहीं है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां के लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। लोगों की जिंदगी टैंकर से सप्लाई पर किए जाने वाले पानी पर टिकी है। दिल्ली में जल संकट इतना गहरा है कि टैंकर भी कम पड़ गए हैं। कई इलाकों में घंटों तक वाटर टैंकर का इंतजार करना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। अगर किसी इलाके में टैंकर पहुंचता भी है तो चंद मिनट में खाली हो जाता है, क्योंकि लोग टैंकर पर ही चढ़ जाते हैं, खुद पाइप लगाकर कंटेनर भरने लगते हैं। ऐसे में कई लोग बिना पानी के रह जाते हैं।
और ये नज़ारा कई दिनों से देखा जा रहा है, लेकिन मामले का समाधान नहीं निकल पा रहा है। हमने दिल्ली के कई हिस्सों में इमरजेंसी ट्यूबवेल्स करवा के उनको वाटर सप्लाई से लिंक किया है। अभी हमने एक इमरजेंसी बैठक दिल्ली जल बोर्ड की करी थी, इसमें हमने दिल्ली जल बोर्ड को बोला है कि जहाँ जहाँ पर भी एक्स्ट्रा टैंकर्स की आवश्यकता है, जहाँ पर पानी के टैंकर नहीं पहुँच रहे हैं, वहाँ पर अगले 24 घंटे में एक नया असेसमेंट करेंगे। दिल्ली में जल संकट की ये स्थिति पहली बार नहीं है, ये हर साल होता है। ऐसा होता क्यों है, इसकी वजहों को देख लीजिए। भीषण गर्मी से रिजर्वॉयर सूखने की कगार पर है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में उत्पादन की कमी, पानी के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भरता, यमुना के जल स्तर में कमी, पाइपलाइन टूटने दूसरे कारणों से पानी की बर्बादी, आबादी की तुलना में पानी की सप्लाई कम हो रही है। एक और अहम वजह है, दिल्ली में सभी को पानी चाहिए, लोग आरोप लगाने में भी आगे हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमी, चाहे वो सरकार हो या आम लोग, ये वो है कि दिल्ली में जल संकट पर किसी का ध्यान नहीं जाता। दिल्ली सरकार ने डेटा जारी किया है, हर दिन दिल्ली में 1005 MGD पानी का उत्पादन होता है, लेकिन ये लगातार घट रहा है। 14 जून को सिर्फ 932 MGD ही प्रोडक्शन हुआ, यानी जितना कम उत्पादन हुआ उतना ही पानी की कमी हो गई, जबकि रोजाना पानी की कमी 20 से 30 MGD की हो रही है। दिल्ली में जो पानी की सप्लाई आ रही है, लगातार उसमें कमी चल रही है। वजीराबाद पौंड में पानी ख़त्म हो गया है, बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। मुनक कनाल में, जहाँ पे दो सब कनाल्स के माध्यम से दिल्ली को पानी आता है, उसमें भी पानी की कमी चल रही है। कल अपर यमुना रिवर बोर्ड की मीटिंग हुई, अनफॉर्चुनेटली कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं निकला है। गर्मियों के मौसम में उनके पास 137 क्यूसेक्स पानी है जो वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आउट ऑफ देयर एलोकेशन। हिमाचल प्रदेश ने फिर से ये कल अपर यमुना रिवर बोर्ड की मीटिंग में रीआइटरेट किया है कि वो ये पानी देने को तैयार है। 11 साल से अगर दिल्ली के लोग, 10 साल से दिल्ली के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, उसके लिए दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार, इनकी मंत्री आतिशी जो केवल झूठ बोलने का काम करती है, केवल झूठ के जल बोर्ड जो है नकारा साबित हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2013 तक दिल्ली का जल बोर्ड प्रॉफिट में होता था, आज 82,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से पानी ही नहीं आ रहा। ABP न्यूज की टीम ने ऐसे इलाके में सीमापुरी का दौरा किया, लोगों ने बताया 2 महीने से पाइपलाइन में पानी नहीं है। सुबह पानी का टैंकर आता है जिससे पूरे इलाके के लोग पानी भरने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इंदिरा नेहरू कैंप की तंग गलियों में हर घर के आगे ड्रम, बाल्टी, डब्बे रखे हैं, जिससे वो पानी टैंकर से भर कर लाकर घर में जमा करते हैं। पीने का पानी हो या घर में बाकी काम के लिए यूज में आने वाला पानी, पूरे दिन इसी ड्रम के सहारे परिवार रहता है। ऐसे गुजारा कर रहे हैं, कल पानी के चक्कर में हमारी लड़की खत्म हो गई, उल्टी दस्त लग गया, उसे अस्पताल लेके जा रहे हैं, पहले पानी भर रहा है, पहले अस्पताल, बाद में लेके जा रहे हैं, लड़की खत्म हो गई, अस्पताल ले जाते हमारे 3 साल के, हमारे घर से कल से रोबाराट पड़ रहा है। चलो हमारे घर की हालत देखो, क्या बुरा हाल है। अब पानी भरें या बीमार बच्चों को देखें, पहले पानी न भरेंगे तो हमारे बच्चे प्यासे मर जाएंगे। एक बुजुर्ग दंपति अपने 12 लोगों के परिवार के साथ पानी के लिए रोड जद्दोजहद कर रहा है। आता है जो मिलता है वो ले आता है मेरा बच्चा, वो भी बीमार पड़ जाता है, एक दिन दिहाड़ी मर जाती है, एक दिन नहीं मरती है, एक दिन काम पे जाता है तो 2 दिन आराम करता है, फिर पैसे कहाँ से आएगा। पानी लाने से बीमार पड़ गया बच्चा भी, हमारे जोड़ों जोड़ों में बच्चे के दर्द हो रहा है। कल मेरी मजबूरी थी, जब भी मैं पानी लेके आई, पीने भर का पानी नहीं था, आगे शौचालय से जाके एक नंबर पे टैंकर आया था, वहाँ से जाके डब्बे लाई। सरकार से निवेदन है मेरा, हम लोग पानी के लिए बहुत तरस रहे हैं, जाड़ों में पानी हमें बहुत भरपूर मिला था, गर्मी आते ही हमें पानी के लिए एक एक बूंद के लिए हम तरस रहे हैं, ये हकीकत बात बोल रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे लिए पानी छोड़ा जाए। दिल्ली के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पानी की सप्लाई तो हो रही है, लेकिन पानी काफी गंदा आ रहा है, तो कहीं कहीं 5 से 10 मिनट के लिए ही पानी की सप्लाई होती है, और जो पानी आता है वो बहुत गंदा होता है। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में इन दिनों लोगों के सामने ऐसी ही समस्या है।
पूरी दिल्ली इस वक्त पानी की किल्लत से जूझ रही है। दिल्ली सरकार का ये कहना है कि हरियाणा से जो पानी दिल्ली आना चाहिए, जो पानी दिल्ली आकर ट्रीट होकर लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है, उसमें भारी कमी आई है। करीबन 70 एमजीडी पानी कम है जो प्रोड्यूस हो रहा है, और इसकी वजह से पूरी दिल्ली में लोगों को पानी की किल्लत झेलनी पड़ रही है। भैया हर गर्मी में यही परेशानी चलती है, 3-4 महीने तक है ना, 5 मिनट भी पानी नहीं आता, आता है तो वो गंदा आता है, और जब भी आता है इतने परेशान हो जाते हैं हम लोग। सप्लाई का पानी कितनी देर? सप्लाई का पानी 10 मिनट आता है, उसमें 5 मिनट तो गंदा ही आता है। पानी नहीं आता, मैं पैसों से लेती हूँ, मेरे बीपीए में से चढ़ाया नहीं जाता, और पानी की बड़ी मुसीबत है, गंदा स्मेल का पानी आता है, उससे मेरे पेट में दर्द और बीमारी हो गई हूँ मैं। 5 या 10 मिनट वो गंदा पानी आता है, उसके मतलब हर गर्मी में यही परेशानी है, और हम लोग बाजार से खरीद के पानी मंगवाते हैं, बच्चे उसी से थोड़ा बहुत उसी से गुजारा करते हैं। कितने दिनों से आपको ये परेशानी झेलनी पड़? ये हमें करीब 3-4 साल हो गए ये गर्मी। अभी गर्मियों में कितने दिनों? अभी ये 3 महीने हो गए, मार्च से अभी तक। मार्च से शुरू हो गई थी? से शुरू हो गई थी। बढ़ गई है? अब तो बढ़ गई, अब तो 10 मिनट भी नहीं पानी आ रहा सर। दिल्ली में पाइपलाइन के जरिए गंदा पानी की सप्लाई पर जल मंत्री आतिशी क्या कह रही हैं, वो भी सुनिए। जब पानी के सप्लाई का टाइमिंग खत्म हो गया है, उसके बाद भी जब अपनी मोटर चलाते रहते हैं, तो कहीं पर भी अगर पानी की पाइपलाइन में छेद है, सीवर की पाइपलाइन में छेद है, तो वो उस पानी को, कंटेमिनेटेड पानी को सक करता रहता है। दूसरी चीज़, गंदे पानी का ये भी रीज़न है कि क्योंकि पानी की कमी है, लोग इल्लीगली पानी की पाइपलाइन में छेद कर करके अपने यहाँ पानी की पाइपलाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो जब पानी की पाइपलाइन में छेद हो जाता है तो वो उसकी वजह से कंटेमिनेटेड वाटर, मिट्टी वाला पानी एक्सेट्रा भी वहाँ से ड्रॉ करने लग जाते हैं। तो सुना आपने, दिल्ली सरकार के पास हर सवाल का जवाब रटा रटाया है, लेकिन जल संकट से निपटने का रास्ता नहीं सूझ रहा। बैठकों पर बैठकें हो रही हैं, कोर्ट में पैरवी की जा रही है, वार पलटवार भी जारी है, लेकिन समस्या का समाधान निकालने की कोशिश नहीं हो रही, सिर्फ भरोसा दिया जा रहा है। भरोसे से दिल्ली की प्यास नहीं बुझ सकती, ये दिल्ली की सरकार और अधिकारी कब समझेंगे ये किसी को नहीं पता। दिल्ली को यूं ही तड़पने के लिए छोड़ दिया गया, फिलहाल एक ही आस है, बारिश की। इंतजार है कि आसमान से बारिश की बूंदें कब गिरेंगी, और तब शायद जा करके दिल्ली की प्यास बुझेगी। देखिए, पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के चिल्ला गांव में आज भी हालात नहीं सुधरे हैं। यहां पर लोग आज भी पानी के लिए संघर्ष करते हुए नजर आए। चिल्ला गांव से हमारे संवाददाता श्रीनिवास की ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। मैं बताऊंगा आपको कि 77 साल के बाद, यानी कि आजादी के 77 साल के बाद, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में आप देख सकते हैं मूलभूत जो आवश्यकता है उसमें जो सबसे पहली कड़ी पे पानी के लिए लोगों की ये लाइन लगी है। तो ये है 77 साल के बाद का विकास। और जहां तक बात की जाए, तमाम प्रदर्शन होंगे इनके बदतर हालातों पे, तमाम राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी। अगर विपक्ष प्रदर्शन करेगा तो सत्ता पक्ष बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने वो तमाम वादों और दावों को गिनवाता हुआ दिखेगा कि हमने ये किया, हमने ये किया, और विपक्ष मटके तोड़ता हुआ सड़कों पे नजर आएगा। लेकिन 77 साल हो चुके आज़ादी के, दिल्ली राज्य बनने के बाद कभी कांग्रेस की सरकार रही, कभी भारतीय जनता पार्टी की, और फिलहाल अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन तस्वीर वही है। ये तस्वीर कोई आज की नहीं है। जब मैं सुबह यहाँ पर पहुँचा था तो यहाँ तमाम लोगों से हमने बात की और उनका यह कहना था कि सर यह तस्वीर साल के 365 दिनों की है। हाँ, गर्मियों में हालात बद से बदतर हो जाते हैं और कुछ इस तरह की तस्वीरें उभर कर सामने आती हैं। लोग यहां बता रहे थे कि सुबह 5 बजे से यहां पे लोग आकर लाइन लगा देते हैं और उसके बाद एक इंतजार की घड़ी शुरू होती है, और तब ये जब टैंकर आती हुई नजर आती है तो लोग कहते हैं कि जैसे खुद ऐसे महसूस होता है कि माँ गंगा यहाँ अवतरित हो रही हैं, कुछ इस तरह से लोगों के ख्यालात बन जाते हैं। और आइए अब बात करते हैं साउथ दिल्ली की। साउथ दिल्ली के संगम विहार में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं, पानी के लिए लोगों की जंग जारी है। संगम विहार से हमारी संवाददाता मेघा उपाध्याय की ग्राउंड रिपोर्ट। तस्वीरें रोज हम अपने दर्शकों को ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, और आज की हालात
पुराने हालातों से बिल्कुल अलग नहीं है, दयनीय स्थिति आप जरा देखिए। तो अभी कुछ देर पहले यहाँ से टैंकर यहाँ पर पहुंचा तो था, लेकिन लोगों की बाल्टियाँ, जरा तस्वीरें देखिए, लोगों के कंटेनर्स बिल्कुल खाली है क्योंकि लोगों को पानी नहीं मिला। इनसे ही बात करते हैं, आपको आज भी पानी नहीं मिला? जी नहीं, पानी नहीं मिला, आपके सामने खड़े हैं। टैंकर तो आया था अभी? टैंकर आया था, लेकिन वो आधा टैंकर था, उसके पीछे अगर टूटी वाला आता है तो पानी मिलता है, ये वाले टैंकर से पानी नहीं मिलता। आप दोबारा पानी लेने देने के लिए टैंकर या कोई सुविधा आएगी यहाँ पर? मेरे ख्याल तो कोई भी नहीं आएगी, पलटने वाला आएगा, वो टैंकियों में पलट देगा, वो भी अंदर चला जाएगा, वो भी आप लोगों को नहीं मिल पाएगा, हम लोगों को नहीं मिलेगा वो भी। तो देखिए कई लोगों के कंटेनर्स खाली रहेंगे। आप जरा इस तरफ तस्वीर अगर देखेंगे तो आप देखिए कि जितने सारे यहाँ पे कंटेनर्स लगे हैं वो कंटेनर्स तकरीबन खाली हैं क्योंकि लोगों को पानी मिल नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ की अगर तस्वीर आप देखें तो जो थोड़ा बहुत पानी यहाँ लोगों को टैंकर से मिला उसके सहारे इनका पूरा जो दिन है वो कटेगा। कोई एक्शन नहीं लिया गया, नल खराब है। आज भाजपा की तरफ से अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन किया जाएगा और कल कांग्रेस की तरफ से किया गया था, लेकिन मैं आपको बताऊँ राजनीति लगातार गर्म हो गई है, उसके बावजूद ग्राउंड जीरो पे हालात बदलने के नाम नहीं ले रहे। गिन के टैंकर आता है, कभी आधा टैंकर पानी होता है, कभी पूरा टैंकर, ऐसे में लोगों की जरूरत भी पूरी नहीं हो पाती। टैंकर तो चला गया, आपको तो पानी मिला नहीं, बताइए? ना मिला। अच्छा, तो देखिए कई लोग यहाँ पर जिनके बर्तन है वो खुद जवाब दे रहे हैं, कंटेनर्स जवाब दे रहे हैं, पानी लोगों को यहाँ पर मिल नहीं पाया, कुछ लोगों को आधा आधा बाल्टी पानी मिला है। अब देखिए आपको दोनों तरफ जो है कंटेनर्स लगे नजर आएंगे और ये तस्वीरें खुद में बहुत कुछ बयां करती है कि किस हालात में लोग यहाँ पे जिंदगी काटने पर मजबूर हैं।